अब एक लगातार चढ़ता स्टॉक है सर, कैपिटल फर्स्ट। इनफैक्ट इस पर राय इसलिए चाहूंगा क्योंकि जिनके पास पोजीशंस हो निचले स्तर पे उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए और फ्रेश पोजीशंस कौन से स्तर पे ऐड करनी चाहिए, ये बताएं कैपिटल फर्स्ट में। अभी भी खरीदी कर सकते हैं। ये एक स्टॉक है जहां पे बहुत ही अच्छी मोमेंटम दिखाई दे रही है, ये भी मेरा पिक था आज के लिए। तो मेरा मानना है कि 549 इजीली आज टेस्ट करता नजर आएगा। अभी के लिए जिनके पास पहले है उनका अगर सस्ते में है तो उनका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करीबन 530 का होगा, और अभी अगर कोई लेता है तो 525 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करे। मैंने जो टारगेट रखा है वो उन टारगेट पे बेचना नहीं है, उससे भी आगे जाता नजर आएगा। सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओके राइट, राम के इंफ्रा, ये स्टॉक मैं अभी थोड़ी देर पहले ट्रैक कर रहा था एक रेंज में, ये भी स्टॉक है लेकिन उससे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और सभी एवरेजेस के ऊपर है। क्या ऐसा स्ट्रक्चर, क्या ऐसा ट्रेड बना लेना चाहिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तेजी का, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल हो? एक तो पहले ये बताएं राम के इंफ्रा पे क्या खरीदारी की राय देंगे आप, नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या समझते हैं? बिल्कुल खरीदी की राय हो सकती है। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 60-75 है ये तोड़ा है, इसने ये लेवल बहुत महीने से रेजिस्टेंस के तौर पे दिखाई दे रहा है। आज पहली बार पहले सत्र में ही आपको क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। तो अगर अभी भी खरीदी करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 60 का, यानी 5.5 रुपए के रिस्क है। और अगर ये स्टॉक निकलता है इंट्राडे के हिसाब से करीबन ये 69-70 तक जा सकता है, पर डिलीवरी के बेसिस पे अगले 10 दिनों में 85 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शुगर बैग एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है मार्केट में आज, सिंभावली शुगर्स जैसे काउंटर्स, यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सारा ही शुगर पैक एकदम से तेज हुआ है, मवाना शुगर में रिटर्न्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो शुगर स्टॉक साफ तौर पे आज लाइमलाइट में है, कोई इनमें से ट्रेड सिंभावली मवाना या फिर कोई और ट्रेड जो आपके रडार पर है अभी, जहां पर आप खरीदारी करने की सलाह देंगे सर? नहीं, मेरे ख्याल से शुगर स्टॉक सारे के सारे अच्छे दिखाई दे रहे, पर द्वारकेश शुगर पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। द्वारकेश में एक मूव आ सकती है, अभी फिलहाल एकदम सपाट कारोबार कर रहा है, पर एक लेवल है करीबन 200 के लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 209-210 के टारगेट्स इमीडिएट देखने को मिल जाएंगे इंट्राडे बेसिस पे। तो 200 के ऊपर बाय करने की सलाह। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज तेजी बनी है, उसमें एक स्टॉक है GNFC। ये स्टॉक एक डिप के बाद 120 के आसपास सपोर्ट लेके पिछले कुछ दो दिनों में काफी स्ट्रांगली मोमेंटम में आया। GNFC 136-60 का लेवल, क्या कन्विक्शन है कि यहां से भी और चढ़ेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली खरीदारी है और मार्च में इसने लो लगभग 65-66 का बनाया था सर, उसके बाद से लगातार चढ़ता चला जा रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, 67 के आसपास का लो मार्च में टच करने के बाद आज है 136 के लेवल पे। GNFC पे क्या करना चाहिए? बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि करीबन 20-23 और 24 ये तीन दिनों में ये बहुत बड़ा कट आया था, अच्छे वॉल्यूम के साथ आया था, तो ऐसा डर लग रहा था कि और नीचे जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ। परसों और कल हमने वापस एक बार वो सारा का सारा लॉसेस इरेज करते हुए देखे है। तो मेरा मानना है कि इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो इस और भी चल सकता है इस स्टॉक में। 130 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, और मेरा मानना है कि आधे दिनों में ये स्टॉक करीबन 147-150 के टारगेट दिखाई देंगे। 147-150 ये लास्ट करीबन 2010 के टॉप्स है, जहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं हम रोज बरोज, जहां पर पैसा बन सकता है। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े इन हाउस रिसर्च टीम से। अंचल बताएं ब्रोकिंग हाउसेस रडार पर पहला स्टॉक आज का। शुक्रिया रहा था, आज के लिए पहला स्टॉक होता बाकी PPL का रहेगा, पैकेजिंग कारोबार में कंपनी है सो मच, सो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में देश की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक मानी जाती है। कंपनी ने अपने Q4 नतीजे पेश किए और अनुमान से बेहतर कंपनी के Q4 नतीजे रहे सो मच, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो करीब 46% बढ़ा, वहीं मुनाफे में भी 64% की तेजी देखने को मिली थी। ये रही बात नतीजों की, एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखे, जो कुल लागत थी वो घटी थी, कहीं ना कहीं उसका फायदा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्गर मार्जिन्स देखने को मिला, करीब 2.5% से 2.7% ज़्यादा मार्जिन बढ़ते हुए दिखे, तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ऑपरेटिंग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। वहीं दूसरी ओर अगर वैल्यूएशन की बात करें तो शेयर अभी अपने उच्चतम स्तर से करीब 27% नीचे है और एक अच्छी कैश EPS होल्ड करता है, 12.12 रुपये 20 पैसे की कैश EPS होल्ड करता है सो मच, सो एक लगातार डिविडेंड दिया और ऐसा माना जा रहा है FY17 में अनुमानित है कि कंपनी की EPS करीब 16 और PE मल्टीपल 16.5 का होता हुआ दिखेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए AUM कैपिटल मानता है कि PPL एक ऐसा शेयर है जिसमें खरीदारी की जा सकती है। आगे के लिए आपका टारगेट रहेगा 320 रुपये का।
चलिए पहला स्टॉक है हुतमा के पीपीएल। देखिए आमतौर पे वॉल्यूम्स थोड़े कम रहते हैं लेकिन फंडामेंटल ग्राउंड्स पे चुना गया और स्ट्रॉन्ग खरीदारी आने वाले समय के लिए देखने को मिल सकते हैं। अंचल दूसरा स्टॉक बताएं आज का। दूसरा शेयर आज के लिए इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग का रहेगा रजत। देखिए कंपनी का नतीजे जो थे ऑपरेटिंग फ्रंट पर अगर आप नतीजे को कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 246% की बढ़त देखने को मिली है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। साथ ही साथ कंपनी ने जो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट है उस पर भी कामकाज कर रही है, उसे लगातार घटा रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट में भी कटौती आई है, वो भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है आगे चल के इंटरेस्ट जो बोझ है कंपनी पर वो घटता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो ओवरऑल खर्च है कंपनी का उस पर भी Q4 में अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने जो अदर एक्सपेंसेस हैं एम्प्लॉय कॉस्ट है रॉ मटेरियल कॉस्ट है सबको कटेल किया है जिसकी वजह से मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे बेहद स्ट्रांग रहे और कहीं ना कहीं ये आप कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा ऐसा जानकारों का मानना है। रही बात शेयर की वैल्यूएशन की तो देखिए शेयर अभी अपने हाई से करीब 62% नीचे कामकाज कर रहा है और एक अच्छी कैश ईपीएस 8.30 रुपये की कैश ईपीएस होल्ड करता है। इसीलिए एंजल ब्रोकिंग का मानना एक अच्छा शेयर हो सकता है जहां निवेश किया जा सकता है। आप खरीदारी करिए इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग में आपका पहला टारगेट 85 रुपये का रहेगा।